सुबह सुबह स्कूल जाना कितना खराब लगता है ना, लेकिन मम्मी के सामने कोई बहाना भी तो नहीं चलता। कितना अच्छा होता अगर एक दिन सूरज ही ना निकलता। आप लोग सोच रहे हैं ऐसा हो कैसे सकता है, लेकिन एक बार ऐसा हो चुका है। कैसे, अभी बताता हूँ। ये काम किया था छोटे से गणेश ने, वो भी जब वो केवल 7 साल के थे। अब आप सोच रहे होंगे ये मुझे कैसे पता, हाँ वो भी एक रहस्य है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले ये कहानी सुनिए। कई साल पहले की बात है, गणेश, कार्तिकेय, लक्ष्मी और सरस्वती अपने माता पिता शिव और पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर रहते थे। वो देखो 7 तारों वाला सप्तऋषि, और वो हंस, और वो देखो कन्या। सरस्वती दीदी, तुम्हारे जैसा विद्वान तो दुनिया में कोई नहीं होगा। हाँ, गुरुकुल में तो सरस्वती सब बच्चों की छुट्टी कर देगी। गुरुकुल, वो क्या होता है? ये देखो मैंने क्या बनाया। कोई मुझे बताएगा कि गुरुकुल क्या होता है और हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? गुरुकुल ऐसा स्थान है जहाँ सारे बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं और वहीं रहते हैं, और केवल सरस्वती ही नहीं, हम सबको कल वहाँ जाना है। हम वहीं रहकर महान ऋषि कश्यप से ज्ञान प्राप्त करेंगे। किंतु माँ मुझे ऐसे स्थान पे क्यों भेजेगी, मैं तो इतना छोटा हूँ। क्योंकि तुम बहुत नटखट हो, माँ की कोई बात नहीं मानते, सारे मोदक चुरा कर खा जाते हो और सबको तंग करते हो। मैं गुरुकुल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। भैया तुमने गणेश से झूठ क्यों बोला कि माँ उसे उसकी शरारतों के कारण गुरुकुल भेज रही है? मैं तो उसे चिढ़ा रहा था। गणेश को चिढ़ाने में कितना आनंद आता है, वो झट से क्रोधित हो जाता है। माँ क्या बात है, आज तुमने मोदक चोरी करके नहीं खाए? नहीं माँ, आज से मैं केवल आपके हाथ से मोदक खाऊंगा। आपके हाथ से मोदक खाने का स्वाद ही अलग है। और मुझे तुम्हें मोदक खिलाने में बहुत आनंद आता है। तो आप मुझे गुरुकुल क्यों भेज रही है, फिर आप किसको मोदक खिलाएंगी? देखो गणेश, तुम्हें पता है वो नन्हा सा चिड़िया का बच्चा अपना घोंसला छोड़कर क्यों जा रहा है? क्योंकि उसकी माँ उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। नहीं पुत्र, इसलिए क्योंकि अगर वो घर छोड़कर नहीं जाएगा तो वो उड़ना कैसे सीखेगा। देखा, ऐसे ही तुम गुरुकुल जाकर ज्ञानी बनोगे, संसार के नियम सीखोगे। किंतु प्रणाम पिताजी। जीते रहो पुत्र। पुत्र, तुम्हें पता है ना कि हम तुम्हें देवताओं के गुरु महान ऋषि कश्यप के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज रहे हैं। किंतु पिताजी, हमें शिक्षा प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है, हम तो देवता है, हमारे पास तो इतनी शक्तियाँ है। बेटा, ज्ञान के बिना तो दैवीय शक्तियाँ भी व्यर्थ है। शक्ति के साथ साथ ज्ञान होना भी अत्यंत आवश्यक है। बिना ज्ञान के शक्ति उस वन के आग के समान है जो सब कुछ नष्ट कर देती है। पिताजी, मैं तो कितना अद्भुत दिखाई देता हूँ, सबसे अलग। गुरुकुल में सब मेरे चेहरे को लेकर चिढ़ाएंगे और मुझे माँ की भी याद सताएगी, और फिर नंदी के साथ कौन खेलेगा? पुत्र, व्यर्थ हट करने से कुछ नहीं होगा। पार्वती, तुम इनका सामान बांध दो, थोड़ी ही देर में इन्हें गुरुकुल जाना है। देखो हमारे गुरुकुल में कैसा विचित्र प्राणी आया है। राजकुमार डब्बू, इसकी खिंचाई करने में बहुत आनंद आएगा। हाँ, देखते जाओ मैं इसकी क्या दशा करता हूँ। बालकों शांत, आज से ये दोनों छात्र और दोनों छात्राएं भी
इसी गुरुकुल में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि तुम इनके साथ मिलजुल कर रहोगे। जी गुरुजी, हम इनकी हर प्रकार से सहायता करेंगे। धन्यवाद राजकुमार डब्बू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बालको, ये डब्बू है इस गुरुकुल का सबसे बुद्धिमान बालक। डब्बू इस गुरुकुल में आपकी हर प्रकार से सहायता करेगा। अवश्य गुरुजी, ये तो मेरा कर्तव्य है। आज हम तुम लोगों को ब्रह्मांड के बारे में बताएंगे। ब्रह्मांड में कई नक्षत्र, ग्रह, तारे इत्यादि होते हैं। हमारे ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं, जिन्हें हम नवग्रह कहते हैं, एवं समस्त जीव जंतु सूरज की रोशनी के कारण ही जीवित हैं। और इस प्रकार पेड़ पौधे सूरज की रोशनी। गणेश, तुम इस प्रकार छींक कर कक्षा में बाधा डाल रहे हो, कहीं तुम ये जानबूझकर तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं गुरुजी, पता नहीं क्यों मेरे सुन में इतनी गुदगुदी हो रही है। ठीक है, तुम उस सामने वाले पेड़ के नीचे बैठ जाओ, वहाँ से तुम मुझे सुन भी सकोगे और कक्षा में किसी को भी बाधा नहीं पड़ेगी। और अब हम तुम्हें 9 ग्रहों के बारे में बताएंगे। मुझे पता था कि मुझे गुरुकुल बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। मैं आज ही वापस चला जाऊंगा। चलो गणेश, अब भोजन का समय हो गया है। मुझे भूख नहीं है, तुम लोग जाओ। देखो गणेश, गुरुजी ने जो किया ठीक किया। तुम्हारे कारण कोई भी नहीं पढ़ पा रहा था, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। तुम सब भी मुझे ही दोष दे रहे हो। जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। अब क्रोध त्यागो और हमारे साथ चलो। देखो भोजन की कितनी अच्छी महक आ रही है। मैंने कहा ना, मुझे परेशान मत करो। अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, हम तुम्हारे लिए यहीं भोजन लेकर आते हैं। ये विचित्र जीव हमारे गुरुकुल में क्या करने आया है? इसे तो वन में दूसरे जानवरों के साथ होना चाहिए। ऐसे गुस्से से क्या देख रहे हो? अभी गुरुजी की डांट नहीं भूले। अच्छा, वो तुम थे? हाँ हाँ, मैं था। जाओ करो ना गुरुजी से शिकायत। लेकिन याद रहे, वो तुम्हारी। मुझे गुरुजी की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं ही तुम्हारे लिए उचित हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अब क्या करोगे? कोई हमारी मदद करो, कोई हमारी सहायता करो, हमें यहाँ से उतारो, जल्दी जल्दी, हमें यहाँ से उतारो, जल्दी। आया मजा, अब कभी मुझे परेशान मत करना। गणेश, इससे पहले कि गुरुजी आ। गणेश, क्या ये शरारत तुमने की है? तुम्हें दंड मिलेगा, तुम्हें 2 दिनों के लिए आश्रम से निकाला जाता है। लेकिन गुरुजी, ये दिन भर रहेगा कहाँ, खाएगा क्या? इसे सबक सिखाना आवश्यक है। अगर आश्रम में किसी ने इसकी सहायता करने का प्रयत्न किया तो वो भी दंडित होगा। सुंदर रथ है, अवश्य किसी राजा या देवता का होगा। ए बालक, तुम कौन हो? मेरा नाम गणेश है और मैं गुरु कश्यप के गुरुकुल में पढ़ता हूँ। तब तो आप अवश्य हमारे राजकुमार के मित्र होंगे। राजकुमार? सारथी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जानवर को हमारे रथ पर चढ़ाने की? उतरो हमारे रथ से
ऐसे रथ पर केवल राजकुमार बैठते हैं, तुम्हारे जैसे विचित्र जीव नहीं। ऐसे गुस्से से क्या देख रहे हो? यदि दोबारा हमें हानि पहुंचाने का प्रयत्न किया तो गुरुजी तुम्हें गुरुकुल से हमेशा के लिए निकाल देंगे, समझे? तुम अगर राजकुमार हो तो मेरे पिताजी भी एक देवता है, देखना वे मुझे इससे भी सुंदर रथ देंगे। झूठ बोल रहे हो तुम, एक देवता का पुत्र हाथी कैसे हो सकता है? मेरा रथ आने दो, फिर तुम्हें बताऊंगा। देखते हैं, अब चलो सारथी। चलो। पुत्र, आज तुम्हारा जन्मदिन है और पिताजी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रणाम पिताजी। जीते रहो गणेश, आज तुम्हारा जन्मदिन है और तुम्हारी माँ के कहने पर मैं तुम्हें एक वाहन देने जा रहा हूँ। देखने के लिए धन्यवाद। नए एपिसोड्स देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।